दोस्तों वीवो लेके आ रहा है मार्केट में अपना नया फोन वीवो V15 प्रो के नाम से, और जिसका जो इवेंट है वो रखा गया 20 फेब को। और अभी तक के जो लीक्स है उनकी अकॉर्डिंग वीवो V11 प्रो का अपग्रेड वर्जन जो है उसको इंट्रोड्यूस करने वाला है वीवो V15 प्रो के नाम से। इस फोन की जो मेन हाईलाइट है वो आपको मिलेगी इसके अंदर, जो सेल्फी कैमरा मिलने वाला है वो आपको मिलेगा एक पॉपअप की फॉर्म में, यानी कि आपको डिस्प्ले के अंदर जो एक नॉच मिला करता था कभी ओ की शेप में, वाटर ड्रॉप की शेप में, वी शेप में, उससे आपको मिलने वाला है छुटकारा। आइए देखते हैं इस फोन के क्या स्पेसिफिकेशन, इस फोन के फीचर्स। आज मैं आपसे बात करने वाला हूं इसी V15 प्रो के बारे में। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दीपक और आप देख रहे हैं एंड्रॉइड गुरु जी। दोस्तों अगर मैं बात करता हूं इस फोन के फिजिकल ओवरव्यू के बारे में, तो हमें यहाँ पे देखने को मिल जाएगी 6.39 इंच की सुपर अमोल्ड फुल एचडी डिस्प्ले, यानी डिस्प्ले के अंदर भैया कोई दिक्कत नहीं है, बहुत ही शानदार आपको यहाँ पर डिस्प्ले देखने को मिलने वाली है, पूरी इन्फिनिटी डिस्प्ले यहाँ पे। और यहाँ पर आपको जो है डिस्प्ले के अंदर नॉच भी देखने को नहीं मिलेगा, तो काफी बेटर इंप्रूव डिस्प्ले यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। अगले अगर हम हाईलाइट की बात करते हैं, अगर हम बात करते हैं इस फोन के ऑपरेटिंग सिस्टम की, इसके प्रोसेसर की, तो 9.0 पाई के अंदर आपके फोन कन्वर्टेड मिलेगा। और इसका जो चिपसेट प्रोसेसर है वो आपको देखने को मिल जाएगा पे क्वालकॉम स्नैपड्रैगन का 675 का। अगर हम बात करते हैं इस फोन की सीपीयू की, तो ऑक्टा कोर का यहां पे सीपीयू देखने को मिल जाएगा और एड्रिनो का 612 का आपको देखने को मिल जाएगा जीपीयू। अगर हम बात करते हैं इस फोन के वेरिएंट की, तो यहां पे आपको फोन देखने को मिल जाएगा 6GB और 8GB के रैम में, और 128GB रोम आपको यहां देखने को मिल जाएगी। और आपको यहां पे ऑप्शन मिलेगा माइक्रो एसडी कार्ड का, जिसके थ्रू आपको इसको जो इसकी मेमोरी है उसको आप कर पाएंगे यहां पे एक्सपेंड। अगर हम बात करते हैं इस फोन की मेन हाईलाइट यानी कि इस फोन के कैमरा की, तो 48 मेगापिक्सल, 8 मेगापिक्सल और 5 मेगापिक्सल के ट्रिपल कैमरा आपको यहां पे देखने मिलने वाले हैं, और जिनका एपरेचर रखा गया है यहां पर f2.4 का। और आपको जो फैसिलिटी दी जाती है वो यहां पे दी जाती है डुअल एलईडी फ्लैश के साथ में, यानी कि 48 मेगापिक्सल, 8 मेगापिक्सल और 5 मेगापिक्सल जो कैमरा है वो होने वाले बहुत ही शानदार क्वालिटी के साथ में। अगर हम बात करें इस फोन की एक मेन हाईलाइट यानी कि इसके सेल्फी कैमरा की, तो जैसा मैंने आपको शुरुआत बताया था कि आपको मोटराइज्ड पॉपअप 32 मेगापिक्सल आपको यहां पे कैमरा देखने को मिल जाएगा, यानी कि इस बार जो स्क्रीन है उसके अंदर आपको जो है वो नॉच देखने को नहीं मिलेगी, इसके अंदर आपको मोटराइज्ड जो है पॉपअप 32 मेगापिक्सल कैमरा यहां पे देखने को मिल रहा है। अगर हम बात करते हैं इस फोन की बैटरी की, तो 3700 mAh के यहां पर आपको बहुत ही पावरफुल बैटरी दी गई है, और जिसके अंदर आपको यहां पे देखने को मिल जाएगा फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट। तो बहुत ही शानदार इसकी स्पेसिफिकेशन है। इस फोन को जो है 20 फेब को जो है वीवो अपने इवेंट के अंदर इसको लॉन्च कर देगा, और अभी तक की जो इसकी एक प्राइस निकल गई है वो आप आइए 33,000 इंडिया के अंदर। और बाकी तो ये था Vivo V15 Pro का कंप्लीट पैकेज, मैंने आपके साथ शेयर किए इस फोन की स्पेसिफिकेशंस, इस फोन की फीचर्स और इसकी प्राइस को। अगर देखा जाए तो अभी तक की जो लीकेज है उनके अकॉर्डिंग हमें ये फोन देखने को मिल जाएगा इंडिया के अंदर 33,000 के आसपास, और एक्चुअल जो इसकी प्राइस है वो हमें Vivo के इवेंट के अंदर जो कि 20 फेब को होने वाला है उसके अंदर ही हमें इस फोन की जो एक्चुअल प्राइस है वो हमें देखने को मिल पाएगी। तो मेरी अकॉर्डिंग अगर ये फोन 30,000 के आसपास अगर इंडिया के अंदर आता है तो बहुत ही शानदार फीचर के साथ ये एक बजट फोन हो सकता है, क्योंकि 30,000 के अंदर यहाँ पे जो ट्रिपल कैमरा है और जो पॉपअप मोटराइज्ड कैमरा है वो बहुत ही शानदार आपको यहाँ पे कैमरा क्वालिटी देने वाला है। आपकी क्या राय है इस फोन के बारे में आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। जिन व्यूवर्स ने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो यहाँ पे रेड बटन को दबा के इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए रोजाना ऐसी एंड्रॉइड और टेक्नोलॉजी की वीडियोस लेकर आता रहता हूं। अभी तक के लिए इतना ही दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।